नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टीवी टुडे, मोहम्मद रेहान के साथ। और इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के आजादपुर मेट्रो स्टेशन के पीछे। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो तमाम जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, ये कोई भीड़ नहीं है, एक आंदोलन है। तो यहाँ पर ये आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पर एक आंदोलन किया जा रहा है। अब यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर जो नेता लोग हैं, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आंदोलन किस लिए रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य है। ये यहाँ पर जो कार्यकर्ता कि हमने ये बनाई है, क्योंकि ये चल अभी खत्म नहीं होगी। जिस तरह हमारे जी भाई ने कहा कि जब तक हमें नोटिस नहीं मिल जाता हम लोग साथ नहीं बैठेंगे। अगर नोटिस मिलता है तो अगर जीवन झुके हैं ना झुकेंगे। ये प्रदर्शन झुग्गी बचाओ आंदोलन है और ये लालबाग की झुग्गिया जो तोड़ी जा रही है गेड़ी और रेलवे द्वारा, उनको बचाने के लिए आंदोलन किया था आज। और ये प्रचंड आंदोलन था, अगर मानवहितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। यहाँ झुग्गिया हमारे जन्म से पहले से यहाँ के लोगों ने अपनी चार चार पांच पांच पीढ़ियां इन झुग्गियों में बिता दी है। यही इनका सब कुछ है, इनका राजमहल भी यही है, महल भी यही है। सर, जिस तरीके से कहा जाता है कि झुग्गियों का लोग जो अभी कहा गया 23 तारीख को हम लोग को वहाँ पर जो अपना वो देना है कि हमें यहाँ पर मतलब पहले से स्थापित है और हम लोगों को यहाँ पर जो है हटाया ना जाए। हमने सरकार से अपील की है, हम कोर्ट भी गए हैं, अगर लालबाग की झुग्गी टूटेगी तो हम सड़कों पे उतरेंगे और दोबारा से प्रचंड आंदोलन करेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई थी, आगे और लंबी लड़ाई होगी। ये कुछ और भी लोगों से क्या नाम है रिंकू माथुर, ये क्या कहना चाहेंगे आज इतना विराट क्या है झुग्गी झोपड़ी को लेकर? सरकार में कहा जाता है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, किस तरह के जो सरकार के वादे क्या लगता है वो वादे पूरे हो रहे हैं? देखिए, जिस तरह से हम भी यहाँ पे लाला कहने जमे आज 40 साल का मेरा जन्म हो गया है, तो यहाँ पे जो झुग्गी झोपड़ी है, झुग्गी झोपड़ी नहीं है, ये हर गरीब व्यक्ति का महल है। और इस महल के अंदर अगर व्यक्ति ने अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की है और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जहाँ लोग कह रहे हैं झुग्गी है, लेकिन यहाँ हमारे बारह गज के मकान है, लेकिन इसमें 5 फैमिली रहती है, 5 फैमिली मतलब 25 लोग रहते हैं 12 गज के अंदर। ठीक है, अगर मान लो झुग्गी झुग्गी टूटती है तो ये व्यक्ति कहाँ जाएगा? इनका कहाँ पूर्वज करा गया आपने, कहीं देने का विचार करा है? अगर तोड़ते हो तो आपको द्वारा दिया जाएगा नहीं फिर? सरकार का तो कहना ही है कि हमने लोगों के लिए अलग से जो है मकान बनाने की मतलब सुविधा की है, लोगों के झुग्गियां तोड़ी जाएंगी, उनको हम नया मकान देंगे। सरकार ने कहा है कि जहाँ पे झुग्गी है वहीं तोड़ के दिया जाएगा, तो झुग्गी तोड़ के पहले हमें लिखित में देना सरकार कि झुग्गी तोड़ेंगे नहीं तो मकान देंगे। तो ठीक है, आज भाई साहब हमारे बच्चे हैं स्कूल में पढ़ रहे, आप हमें फेंक दो बॉर्डर के पास, तो बच्चे का साल खराब हो गया, पढ़ाई खराब हो गई, हमारा काम धंधा बिजनेस खराब हो गया, कैसे आदमी आएगा? गरीब आदमी जो कमाता है वो तो किराए में लगा देगा फिर तो। जहाँ हमारी झुग्गी है वहीं पर लिखित में हमें दिया जाए, यही तोड़ के हमें मकान दिए जाएंगे, तब तक ये आंदोलन नहीं होगा। 28 तारीख को यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पर जो है बुलडोजर चलाया जा रहा है, चलाया जाएगा। तमाम जो गरीब लोग हैं उन लोगों का काफी दर्द है, सरकार को देना चाहिए। और इस तरह की जो जनता के खिलाफ मतलब प्रदर्शन मतलब जनता के खिलाफ जो सरकार ने आदेश जारी किया है उस पर क्या कहना? सरकार ने जो आदेश जारी किया है वो सरकार की जो पॉलिसी बनी थी उस पॉलिसी के तहत यही है। हमारे पीछे दूल्हा वाला बाग है, वहाँ पे उन्होंने झुग्गी हटा के बिल्डिंग बनाई है। आप हमारी झुग्गी जहाँ से हटाइए हमें लिखित में दे दो कि हम आपको यहाँ लेकर। कहना है कि जो अवैध जगह है उसको अवैध जगह खाली करा रही है हमारी। भाई साहब, अगर झुग्गी अवैध जगह पे नहीं होती तो हम अपने मकानों में कोठियों में रह रहे होते ना, गरीब आदमी है और आज से नहीं रह रहे, 50 साल से रह रहे, 5 पीढ़ियां बीत गई लोग यहाँ पे। अभी मुजफ्फरनगर में एक मतलब हुआ था उसको लेकर के तमाम प्रदर्शन हुआ, उसके बाद सरकार ने या प्रशासन ने यहाँ पर आप लोगों को क्या आश्वासन दिया? सरकार ने और प्रशासन ने यही आश्वासन दिया है कि हम आपकी झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, अगर तोड़ी गई तो हम आंदोलन जारी रखेंगे। कुछ और लोगों से बात होती, क्या नाम था? मोहन लाल शास्त्री। क्या कहना चाहेंगे, प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, भारी संख्या में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अपने घर बचाओ को लेकर लोग सड़कों में उतरे हैं, क्या कहेंगे? हम सबसे पहले तो एमसीडी को ये बता देना चाहते हैं कि एमसीडी ने जो कार्रवाई करी है ना, ये जो कार्रवाई है नहीं होनी चाहिए। जो उन्होंने नोटिस जारी किया, ऐसे नोटिस ये देते हैं और ये नेताओं के इशारे पे काम हो रहे हैं। जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है उसके इशारे पे ये काम हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल की एक ही नीति है कि वो कभी भी झुग्गी झोपड़ी को उजड़ने नहीं दो। हमारी पहली प्राथमिकता एक ही होगी कि अगर लालबाग के अंदर एक भी ईंट बजेगी उसका जवाब हम पत्थर से देंगे। हमारा एक एक कार्य बलसवा देरी में जो किया गया है वो वहां पे बुलडोजर गए और एमसीडी को वेरी लेट ना पड़े और हाईकोर्ट ने उनको कहा कि आप अपनी रिपोर्ट स्टेटस रिपोर्ट करो और उन्होंने कहा कि आप अपनी डेयरियों को यहां बंद कर दो, लेकिन हम किसी का आश्वासन
ये राजनेता क्या करते हैं, नोटिस भिजवाते हैं और हमारी जनता को गुमराह करते हैं, दो मकान पड़वाते हैं और फिर क्या करते हैं, अपनी वोट बटोरने के लिए राजनीति करते हैं। लेकिन ये जो फाउंडेशन है ये ऐसा काम नहीं करती, यहाँ काफी समाजसेवी लोग हैं, वो कुछ भी हो जाए इस धरातल पे लालबाग को, मोदी वाले बाग को, अक्षय गोदाम की चीजों को नहीं टूटने देंगे।